कितना हम शरद पवार पे भरोसा कर सकते हैं? जी आशुतोष जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर दो बड़े स्टेक होल्डर्स है, एक बीजेपी और एनसीपी। एकनाथ शिंदे का जो मामला है वो बहुत ही प्रिकैरियस है अभी, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट का नतीजा उनके खिलाफ जाता है तो उनके लिए कहीं भी कोई जगह नहीं बचेगी, क्योंकि अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो बीजेपी चाहती है कि इस तरह का ही नतीजा आए ताकि वो उनको वो काम न करना पड़े, मतलब खुद होके वो एकनाथ शिंदे और उनके गुट को बाहर कर दे, ये करने की नौबत उनके ऊपर नहीं आएगी अगर सुप्रीम कोर्ट खुद होके उनको डिस्क्वालीफाई कर देता है, तो उनके लिए वो दैट विल बी अ गुड थिंग। और उसके बाद फिर अजीत पवार का उनके साथ में आना जो है वो फैसिलिटेट हो जाएगा। अब अजीत, इसमें मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज पोजिशन में एकनाथ शिंदे का गुट है, उससे ज़्यादा उससे कम डिसएडवांटेज पोजीशन में बीजेपी है, और सबसे एडवांटेजियस पोजीशन में एनसीपी है ऐसा मुझे लगता है। वो इसलिए मुझे लगता है क्योंकि एनसीपी ने पिछली बार क्या किया था अजीत पवार ने, 2019 की जो ट्रैजेक्टरी है उनकी वो ऐसा है कि शपथ विधि से पहले कुछ दिनों पहले उन्होंने एसीबी की तरफ से, एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से, उस समय जो एसीबी के डीजीपी थे, जो बाद में मुंबई के कमिश्नर है, अनिल देशमुख के साथ में झगड़ा हो गया, अनिल देशमुख जेल चले गए, वो सारा हमको पता है, तो उन्होंने इनको क्लीन चिट दी इरिगेशन स्कैम में, जो उस समय का सबसे बहुचर्चित महाराष्ट्र का स्कैम था और जिसके सरगना अजीत पवार है। इस तरह की बात देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी करती रही, इलेक्शन कैंपेन में भी देवेंद्र फडणवीस ये कहते रहे कि उनको हम जेल में डालेंगे वगैरह वगैरह। तो उनको क्लीन चिट एसीबी ने दिलाई इरिगेशन स्कैम में, उसके बाद में फिर उन्होंने शपथ विधि देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर किया, तो वो एक टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत वो सब मामला हुआ था कि आप मुझे क्लीन चिट दीजिए, मैं आपके साथ आता हूँ। उसके बाद जो टर्न ऑफ इवेंट हुआ उसमें वो वापस एनसीपी में चले गए, वो शरद पवार के साथ चले गए। वो बहुत बड़ा ड्रामा जो हमने देखा एनसीपी, शरद पवार जी ने जो स्टेज किया था वो भी हमने देखा। अब इस बार वो नहीं हो सकता, हम किस बिना पर कहते हैं, देखिए वो अगर बीजेपी के साथ आ भी जाते हैं तो हो सकता है कि अगले लोकसभा इलेक्शन तक, मान लीजिए कि 7-8 महीने तक वो बीजेपी के साथ रहे और उसके बाद कुछ मनमुटाव का एक ड्रामा हो जाएगा, उसके बाद अजीत पवार वापस एनसीपी में चले जाएंगे, जिस तरह पिछले बार तो सिर्फ 3 दिनों में हुआ, हो सकता है आपकी बात ज़रा ज़्यादा लंबे समय तक वो टिके रहेंगे बीजेपी के साथ और उसके बाद फिर वापस एमवीए में चले जाए, एनसीपी एक हो जाए और लोकसभा और विधानसभा का जो इलेक्शन है वो एमवीए साथ में लड़े, ये भी ड्रामा हो सकता है। भाई जहाँ जहाँ तक शरद पवार के मनोवर्ष की बात है हम कुछ भी नहीं कह सकते, तो आज सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस पोजीशन में अजीत पवार है, इसलिए कि वो अपने टर्म्स पर कोऑपरेटिव स्कैम में उनका चार्जशीट में नाम नहीं, इस तरह की बातें हम सुन रहे हैं, वहाँ पर भी वो अपने लिए क्लीन चिट ले लेंगे, बीजेपी के साथ में 7-8 महीने रहेंगे, फिर वापस एनसीपी में चले जाएंगे, अजीत शरद पवार के साथ चले जाएंगे और फिर एमवीए फिर से इकट्ठा होकर इलेक्शन लड़ेगी, ये पॉसिबिलिटी भी हम नकार नहीं सकते आशुतोष, ये भी बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। उसमें उनका मकसद आज जो उनके ऊपर प्रेशर है, बहुत सारे केसेस का प्रेशर है, उसमें से कैसे छुटकारा पाया जाए ये उनका टॉप कंसर्न है, उसमें से छुटकारा पाकर बीजेपी के साथ में सरकार बनाने का एक नाटक वो करे, कुछ महीनों तक वो नाटक चलता है उसके बाद में वो बाहर हो जाए, ये बिल्कुल हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी हम बिल्कुल नकार नहीं सकते, तो ये इस पर्सपेक्टिव में भी इसको देखना जरूरी है ऐसा मुझे लगता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।